पंत सिंह साहिबान ने विचार करके ये फैसला लिया है कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब विखे मर्यादा के खंडन करने की नापाक कोशिश के मद्देनज़र समूह गुरु खालसा पंथ को अपील है कि घटिया किस्म की घिनौनी साजिश तहत सिख संस्थावां गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां अते संप्रदावां जो साड़ी सिख कौम की ताकत हैं इन्हां खत्म करन दे मनसूबे पूरे करन दे लई लगातार सिख धार्मिक स्थानां ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मान सन्मान नूं ढा लाउण दा जतन हो रहा है। इस कार्ज लई औरतां बच्चियां नीम पागलां नूं शामिल करन दा खदशा है जां कई बार घटना तों बाद दोषी नूं नीम पागल जिहड़ा है उह करार दे दित्ता जांदा है। इस लई हरेक गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां गुरु घरां दे सुरक्षा दे ढुकवें ते लोड़ीं दे प्रबंध करन। ये पंथ सिंह साहिबान वालों समूह गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां संप्रदावां नूं एक संदेश जिहड़ा है वह दिता जा रहा है। एक बार असीं यह फिर कहना चाहते हाँ कि यह बहुत ही मंदभोगा वर्तारा है और ये सारी न्याय तंत्र जिहड़ा है जां प्रशासन तंत्र जिहड़ा है ये बिल्कुल असफल रहा है। सिखां नूं कितों कोई आस उम्मीद इंसाफ की जिहड़ी है वह बिल्कुल भी नहीं है। इस लई समुचे सिख जगत नूं अपील है कि वह केवल तो केवल केवल तो केवल भरोसा अकाल पुरख ते और गुरु ते रख के अपने गुरु घरां दी मान मर्यादा दी पूरी तरह जिहड़ा है वह पहरेदारी करन सुचेत होण। जो पिछले दिनी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे मंदभागी घटना वापरी उहदे संबंध विच विचारां करन दे लई सद्दा दित्ता गया सी। सारी चिंतकां विद्वानां ने अपनी अपनी बुद्ध अनुसार ठोस निग्गर सुझाव श्री अकाल तख्त साहिब जी नूं दित्ते ने। ये सारा कुछ घोखन विचारन उपरंत जो पंथ सिंह साहिबान ने महसूस किया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखां दे जागत जोत इष्ट हन ते सिखां दी आस्था किसी दुनियावी प्रमाण की मुथाज नहीं है। पिछले कई सालों तो एक गिणी मिथी साजिश के तहत कुछ अदिख पंथ विरोधी ताकतां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मान सन्मान नूं ढा ला रही हैं। ये वर्तारा इन्ना घिनौना है कि पहला पिंडां कस्बियां दे गुरद्वारे साहिबान तो हुंदा हुण सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तक पहुँचन लगा है। और बदकिस्मती कि कोई भी कानून इन्हां नूं रोकण लई अते कोई भी न्यायपालिका दोषियों नूं सजावां देण लई कारगर साबित हुंदी विखाई नहीं दित्ती। सैकड़े घटनावां विच दोषी फड़ के कानून के हवाले किए जाते रहे हैं पर अफसोस की गल है कि अज तक किसी एक भी दोषी नूं कानून और अदालतों ने इहो जिही कोई मसाली सज़ा नहीं दित्ती जो भविख विच इहो जिहियां घिनौनियां घटनावां करन वालियां लई सबक बन सकदी। बल्कि बहुत सारे दोषियों नूं मानसिक रोगी आख के बरी कर दिता जाता रहा है ते बहुत सारे दोषी कानून की माड़ी कारगुजारी का लाभ चुकदियां जमानतां लैके जेलां विचों बाहर आ के बेखौफ घूम रहे हैं। इसे दा सदका एक घिनौनियां असहनयोग घटनावां एक निजमत ते बेरोक वर्तारा बन गईयां हन। सूबा सरकार केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियां सिखां दीयां भावनावां नूं लांबू लाउण वालियां इन्हां घटनावां नूं रोकण दे विच पूरी तरह असफल रहियां हन। सरकारां दीयां खुफिया एजेंसियां भी बेअदबियां दे वर्तारे इन्हां पिछे लुकवियां ताकतां दी पछाण करन अते उन्हां दे मकसद नूं सामने लियाउण दे विच बेवस नज़र आईयां हन। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे वापरी मंदभागी घटना तो बाद सिखां दीयां मनोभावनावां नूं समझे बगैर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल सिखां दे रूहानी ते जज्बाती समझां संबंधां नूं समझण तों बिना अते अतीत विच वापरियां बेअदबी दीयां सैकड़े घटनावां तो बाद राज दे कानून दी निराशाजनक भूमिका नूं अनगौलियां करदियां जिस तरीके नाल देश दे मुख मीडिया दे एक हिस्से ने सिखां प्रति गलत अक्स नूं पेश करन दी कोशिश कीती है ये बहुत ही निंदनयोग ते निराशाजनक वर्तारा है। भारत सरकार ते उस दीयां जांच एजेंसियां खुफिया तंत्र न्यायपालिका तुरंत बनती जिम्मेवारी निभाउण विच अगे आ जांदे तां किसान अंदोलन की समाप्ति तो बाद कायम हुई फिरकू सद्भावना
ते हिंदू सिख एकता नूं तोड़न दीआं नापाक साजिशां करन वालिआं दे मूँह ते करारी चपेड़ वजणी सी। सिखां विच इह वी चिंता तेजी नाल प्रबल हो रही है कि जे भारत दे अंदर साडे विश्वास ते साडी श्रद्धा दे साडे मुख केंद्रीय अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब ही सुरक्षित नहीं हन, तां फिर सिख अपने आप नूं होर कित्थे महफूज रखण। और असी किन्ना पास ये गुहार लगाइए। भाई गुरदास जी का एक शब्द, जे माओ पुत्तै विस दे तिस ते किस प्यारा, जे घर भन्नै पाहरू कौन रखण हारा, बेड़ी डोबै पातनी क्यों पार उतारा, आगू लै उजड़ पवै किस करे पुकारा, जे कर खेतै खाए वाड़ को लह ना सारा। ये पंक्ति जिहड़ी है ये सानू समझाउंदी है कि किसी अगे पुकार करन दा, किसी अगे फरियाद करन दा कोई मतलब नहीं है। जदों फरियाद करन, जिस जगह फरियाद करनी है, जिस जगह पुकार करनी है, जदों उही जिहड़ा है असमर्थ ते बेवस जिहड़ा है वह नज़र आ रही होवे। इस दे नाल ही पंच सिंह साहिबान वल्लों यह फैसला लिया है कि छोटे साहबजादियां दा, बाबा साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी ते माता गुजर कौर जी, जिन्हां नूं इतिहास माता गुजरी जी कह के संबोधन करदा है, उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा समुच्चा गुरु खालसा पंथ इस वक्त मना रहा है। इस लई समुच्चे गुरु खालसा पंथ नूं नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं अपील है कि 27 तरीक नूं, जिस दिन ये शहीदी महान पुरब मनाया जा रहा है गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब की पावन धरती के उत्ते, ठीक सवेरे 10 बजे आपो अपने देशों के समय मुताबक, इलाकों के समय मुताबक ठीक सवेरे 10 बजे 5 मिनट मूल मंत्र का जाप जिहड़ा है वह समुच्चा गुरु खालसा पंथ साहबजादियां की याद के जरूर करे। असी उन्हां छोटे छोटे मासूम जिन्हां ने धर्म की राखी लिए अपना आपा वारिया और सानू सिखाया कि किस तरह धर्म लई जिंदगी जिहड़ी है वह कुरबान की जा सकती है और की जानी चाहिए है, उन्हां दी याद दे विच ठीक 10 बजे 27 तरीक नूं असी 5 मिनट मूल मंत्र दे जाप जिहड़े है वह जरूर करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।